नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनएफएचएस की पांचवी रिपोर्ट जारी, बच्चों में बढ़ता कुपोषण और मोटापा चिंताजनक। 5 राज्यों में 30% से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार। हम गुलामी नहीं सहेंगे, कहना है किसानों का। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में आज 5 महीने बाद 25,000 से कम नए मामले सामने आए। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार यानी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस की पांचवी रिपोर्ट का पहला भाग जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में मोटापा और कुपोषण से ग्रस्त 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होने की बात सामने आई है। देश में 22 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में से 20 राज्यों में वृद्धि देखने को मिली है। विशेषज्ञ इसके लिए कम पोषण वाले भोजन की आदत और शारीरिक गतिविधियों में कमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। एनएफएचएस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार वर्ष 2015 और 16 के बीच में किए गए सर्वेक्षण की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोटापे से ग्रसित 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों में कुपोषण के मापदंडों में या तो मामूली सुधार हुआ है या फिर ये और बदतर हुआ है। ये मापदंड बच्चों की उम्र के अनुरूप लंबाई नहीं बढ़ना, लंबाई के अनुरूप कम वजन और बाल मृत्यु दर है। इससे पहले 2015-16 में आई रिपोर्ट में बच्चों में कुपोषण घटा था, लेकिन इस बार रिपोर्ट में मामले बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 13 राज्यों में अपनी उम्र में सामान्य से कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। वहीं लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों की संख्या 12 राज्यों में बढ़ी है। देश के 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 5 राज्यों की 30% से अधिक महिलाएं अपनी पति द्वारा शारीरिक एवं यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों यानी NGO ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर ऐसी घटना में वृद्धि की आशंका जताई है। ये आंकड़े कोरोना महामारी से पहले इकट्ठा किए गए थे। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में सबसे बुरा हाल कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार में है। सर्वेक्षण में 6.1 लाख घरों को शामिल किया गया। इसमें साक्षात्कार के जरिए आबादी, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण संबंधी मानकों के संबंध में सूचना एकत्रित की गई। NFHS 5 के सर्वेक्षण के मुताबिक कर्नाटक में 18 से 49 आयु वर्ग की करीब 44.4% महिलाओं को अपने पति द्वारा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, जबकि 2015-16 के सर्वेक्षण के दौरान राज्य में ऐसी महिलाओं की संख्या करीब 20.6% थी। कृषि संबंधित 3 कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बीते दिन दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जिसमें समाज के सभी हिस्से के लोगों ने भाग लिया। पेश है न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जुल्मों का सिकंदा तोड़ के हम हक छीन के अपना मानेंगे, नफरत से भरी इस दुनिया के नक्शे को बदल कर मानेंगे। पैरों से तो मंजिल दूर सही, आंखों से मंजिल दूर नहीं, ये बात जमाना याद रखे। मजदूर हैं हम, मजबूर नहीं, ये भूख गरीबी और बदहाली हमको है मंजूर नहीं। अंधेरा बनकर जीने से तो क्या फ़ायदा, उजाला बनकर जियो तो कोई बात बने। अकेले अकेले लड़ने से तो नहीं मिलेगी मंजिल, साथ साथ चलो तो कोई बात नहीं। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक में। आज हम हैं ITO पर, जहां बड़े पैमाने पर फार्मर्स मूवमेंट के साथ सॉलिडारिटी के लिए प्रोटेस्ट बुलाया गया। इस प्रोटेस्ट को ट्रेड यूनियंस, जो 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने आयोजित किया। उसके साथ साथ लॉयर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन का बड़ा समर्थन इस प्रोटेस्ट को मिला है। और यहाँ पर मौजूद लोग बस यही बताना चाह रहे हैं कि फार्मर्स के साथ वो खड़े हैं। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों की मांगों तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश भर में जितनी भी नीतियां हैं जो कॉर्पोरेट्स के निजीकरण और हमारे रिसोर्सेज के निजीकरण के लिए आ रही हैं, उनके खिलाफ है ये आंदोलन। और यहाँ पर वो लोग किसानों के साथ भी खड़े हैं और उस हर तबके के साथ जुड़े हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। और ये आंदोलन दिल्ली तक ही नहीं, पंजाब तक ही नहीं, हरियाणा तक ही नहीं, पूरे देश भर में फैल रहा है। उसी के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं।
अभी जो सॉलिडरिटी इस आंदोलन को मिल रही है पूरे देश भर में, मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि तमाम जो मास ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नागरिक समाज इकट्ठा हुआ है और ये पूरे देश भर में हो रहा है। जो कॉरपोरेट का मुनाफा मन में रख के कॉरपोरेट से पहले बात करके ये कानून लाए और बोल रहे कि किसानों को सशक्त करने का है, लेकिन किसानों को भिखारी बनाने का है, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का है, इस देश की जनता को भूख से मरने का देना है ये कानून, इसलिए हम इसके खिलाफ है। जेडी मोदी सरकार है यह झूठ बोलती रज के, इन्होंने जिद्दण तो गद्दी पर बैठी है, इन्होंने जेड़े लोगों नु जुमले दसे थे असी काला धन वापस करांगे, असी जे करांगे, वो सारे झूठ साबित होए। ये बोल दी थी असी प्राइवेट नहीं, कुछ भी प्राइवेट नहीं करांगे, इन्होंने एयर इंडिया प्राइवेट कर दी, इन्होंने साडे जेड़े रेलवे है वह प्राइवेट कर दिते, साडा पब्लिक सैक्टर जेड़ा सारा प्राइवेट करनू तुरन जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को बेनती करते हैं, देश को मत तोड़िए, देश को मत बर्बाद करिए, एक दो आदमी के लिए आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जिथे असी मोदी सरकार नू दोषी मानते हैं काले कानूनों नू लियाउण वास्ते, उदू बड़े दोषी जिहड़े साडे पंजाब दे विच गदार बैठे आ, जिहड़े साडे बुक्कड़ दे सप्प ने, उहनां नू भी दसणा चाहुंदे आ कि जिन्हां ने इन्हां ने बिलां दे उपर सैन करन वेले किसे नू नहीं पुछिया, किसे नू नहीं समझिया, जदों इलैक्शन हुंदा ते जदों भी वोटां लैण साडे घरे आउणगे तां जिद्दां इन्हां ने अज साडे नाल गदारी करी आ इन्हां नू उहदा सबक जरूर देवांगे। आर्थिकता साडी जुड़ी भी और खेती नाल जुड़ी भी, जदों साडी खेती तबाह हो जाऊगी ते जिहड़ी साडी आर्थिकता, साडा किसान तबाह हो जाऊगा, साडा मजदूर जिहड़ा तबाह हो जाऊगा, जो हर एक काम करन वाला इंसान है ओहदा जिहड़ा बुरा हाल हो जाऊगा। द पॉइंट इज दैट दीज लॉज आर नॉट ओनली एंटी फार्मर, दे आर एंटी पीपल ऑल्सो, एंड इफ एग्रीकल्चर गोज देन एवरीथिंग गोज, बिकॉज फूड गोज, फूड security goes, our PDS system goes, where do you get, where are we able to buy affordable food grain, you know, if not through the ration shops, so this affects all of us. सरकार जो है आंदोलन को बदनाम करने की, विभाजित करने की, तोड़ने की जितनी भी कोशिशें करे, ये आंदोलन अब न बिखरने वाला है न टूटने वाला है। और किसान जो आए हैं यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे पर जो बैठे हैं, वो ये संकल्प लेकर के आए हैं कि बिना इन तीन काले कानूनों को वापस कराए किसान अब लौटेगा नहीं। कि इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने उनको आतंकी कहा, इन्होंने कहा ये देश के लिए नहीं है, सब कुछ इन्होंने कहा, लेकिन वो फर्मली डटे रहे। डिसेंट हैज बिकम क्रिमिनलाइज्ड, आई मीन व्हेन हैज इट एवर हैपेंड, वी फॉट अगेंस्ट द यूपीए पॉलिसीज आल्सो, वी वर नॉट पुट इन जेल फॉर वॉइसिंग आवर डिसेंट, वी फॉट फॉर इयर्स, एंड बट नाउ द न्यू थिंग इज दैट यू कांट ओपन योर माउथ, यू आर ब्रांडेड एन एंटी नेशनल और अ क्रिमिनल एंड यू आर पुट बिहाइंड बार्स ऑन फॉल्स चार्जेस, सो एवरीबॉडी इज अफेक्टेड बाय दिस एंड वी आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर विद द फार्मर्स। किसानों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, एक एक बॉर्डर पर रोज के रोज जो है किसान बढ़ते जा रहे हैं, अभी कल से जो है राजस्थान वाला जो जयपुर वाला रोड है उस पर भी राजमार्ग पर लोग बैठ गए हैं, या यूपी के अंदर आप देखें कि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ बाजना में जो है किसानों का कंटिन्यू जो है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर धरना चल रहा है, आपका जो ये मानेसर से आगे ये जो बाहर बाहर से हरियाणा के लिए जो है जो हाईवे बना है उस पर किसानों का धरना चल रहा है, इधर बागपत रोड पर किसान जो है जुट रहे हैं, तो धीरे धीरे जो यूपी वाले बॉर्डर हैं ये भी जो है धीरे धीरे सब बंद होंगे, सब जाम होंगे, और किसान बिना जो है इस बार इन कानूनों को वापस कराए दिल्ली से जाने वाला नहीं है, और देश की जनता जो है किसानों के साथ खड़ी है। ग्राउंड पे जड़ी ये लड़ाई है ये आम लोगों की बन चुकी है, किसे एक कल्ले किसान दी नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 15 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज 5 महीने बाद 25,000 से कम यानी 22,065 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 354 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 34,477 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 12,766 मामले कम हुए हैं।
देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 99,06,165 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,43,709 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.11% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 94,22,636 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3.43% यानी 3,39,820 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 15,55,60,655 सैंपल्स की जांच की गई है, जिनमें से 9,93,665 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।